लोगों को एक तो भरम पैदा किया जा रहा भी कली ब्लैक ही बीटल होती है। अच्छा, बीटल के सर बहुत सारे कलर है, ये प्राणी पंजाब की नस्ल है, हमें पता है, इसका आँख से कोई मसला नहीं। जैसे लोग बहुत बात कर रहे हैं, बीटल जो भी ज़्यादा लोगों के पास होती थी ना, वो रेडाई में होती थी। अच्छा, ये 5-5, 6-6 लीटर दूध वाली बकरी है। बाकी पाकिस्तान में ऐसी बकरी पाई जाती है, ब्रीक ब्रीक कलर वाली। अच्छा, ये अभी ब्याई नहीं, क्रॉस नहीं करवाई, अभी क्रॉस भी नहीं करवाई। मैंने 6 दांत पे सोचा है इसको जाके क्रॉस कराऊंगा। अच्छा, ते पर दूध दे रही है अभी। बाइट पे नाम पे लोगों से पैसा ज़्यादा लेने का माहौल पैदा किया जा रहा, और कुछ भी नहीं। अच्छा, जो नए फार्मर है उनको 20 से 25 तक की बकरियाँ लेनी चाहिए, बड़ा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ऊपर। मिक्स कभी भी ब्रीड कोई मिक्स नहीं करनी चाहिए, चाहे कम रख लो पर रखो प्योर में। बेचने के भाई हमने ये ऐसे क्रॉस करवा के ऐसे बच्चा पैदा किया, इसको ले लो, इसको ऐसे अच्छा, ले लो, ये अपना फायदा है। कीमत सर, मेरा नाम बलविंदर सिंह, गांव का नाम तुंगवाली, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब का गांव है ये। शुरुआत कैसी हुई सर इस मंडी की? इसकी शुरुआत सर मैंने 2016 में बकरियों का काम शुरू किया, पहले मेरा मधुमक्खी का काम था। डॉक्टर साहब के नाम से? हाँ, डॉक्टर के नाम पे भी जानते हैं मुझे। आयुर्वेद में काफ़ी काम किया है। अच्छा, हाँ, काफ़ी थेरेपियाँ होनी है, एक्यूप्रेशर हो गया, आयुर्वेद काफ़ी काम, इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी, काफ़ी यानी पैथियों पे काम किया मैंने। सर इस ब्रीड में रुचि है तो इसमें क्या कोई वजह रही होगी सर? सर जब बात करें आज सबसे ज़्यादा बेट की, तो बीटल का बेट सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड लेवल पे, जब बात करें। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड है। कितने हैं सर आपके पास में? मेरे पास सर हूँ 150 बकरी के आसपास होगी। हाँ, आप देख सकते हो बकरियों की हाइट, लेंथ। ये तो काफ़ी अच्छी हाइट की है सर, ये जो 40-40 इंच हाइट की बकरियाँ सर, ये आप देख सकते हो। तो कितने दांत की है सर ये? सर दांत पूरे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ, कान वगैरह, नाकड़ा वगैरह, सींग वगैरह, लेंथ, हाइट काफ़ी अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर है सर। प्योर बीटल कहते हैं सर ये, वो क्वालिटी है। हाँ, अच्छा, तो प्योर में सर थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी दे दीजिए सर, प्योर में कौन सी? प्योर में सर इसकी बात करूँ तो मैं देखूँ, इसके कान, नाक, सींग। अच्छा, ये मतलब प्योर में अपन देख सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है। हाँ सर, कान देख सकते हो, सींग देख सकते हो, उसके नाकड़ा वगैरह देख सकते हो। अच्छा, ये और सर ये भी कलर इसी में आता सर? हाँ सर, कलर बहुत सारे आते हैं। लोगों को एक तो भरम पैदा किया जा रहा भी कली ब्लैक ही बीटल होती है। अच्छा, बीटल के सर बहुत सारे कलर है, ये प्राणी पंजाब की नस्ल है, हमें पता है, इसका आँख से कोई मसला नहीं। जैसे अच्छा, लोग बोलते हैं चिट्टी आँख, आँख का कोई मसला नहीं बीटल पे। अच्छा, हाँ, जब आप ज़्यादातर पहले की बात करें, बीटल जो भी ज़्यादा लोगों के पास होती थी ना, वो रेडाई में होती थी। अच्छा, हाँ, ये तो अभी कुछ क्रॉसिंग होके वाइट आँख आ गई, ठीक है, लोग इसको बीटल मारने लगे हैं, बेयर कल्ले वाइट आँख वाली बीटल होती है। एक्चुअली बात तो ये है सर, ये सारे पुराने कलर है, ये सारे टोटल बीटल है ना? हाँ, तो बीटल बकरियाँ नहीं, वाइट भी बीटल के अंदर आ गई, ये वाली बीटल में। हाँ सर, ये अच्छा, आ जाती है, ये भी आ जाती है जी सर। हाँ, जे बीटल में पुराने कलर है, जो वाइट वाला वो क्रॉस होके होके आए हुए हैं बीटल में, वाइट वाला। हाँ, अच्छा, जे क्रॉस होके आए हैं। ब्लैक बकरी की बात करूँ, उसकी हाइट देखो। हाँ, इसकी क्या हाइट होगी वगैरह, फेस वगैरह सर? सर ये 39-40 की बकरी। बहुत सारे कलर है, ये 5-5, 6-6 लीटर दूध वाली बकरी है। 5 लीटर तक दूध दे देती है? दे देती है सर आपसे। इसकी क्वालिटी देखो, कितनी शानदार क्वालिटी है। नीचे से देखो एड्रेस का, ब्याने वाली है। अच्छा, ब्याने वाली है। अच्छा, ये देखो सर, ये भी ब्याने वाली होगी सर? हाँ, ब्याने वाली है। अभी कलर देखो, बहुत सारे कलर आते हैं इसमें, अपन ये नहीं कह सकते भाई कलर ब्लैक ही कलर आता है। बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है सर हमारे पास, सीन वगैरह, कान वगैरह, कलेक्शन काफ़ी अच्छा कर रखा है सर आपने, हर प्रकार का। ये कौन सा कलर आ जाता है सर?
ये मक्खी चीना सर, मक्खी चीना जिसको पाकिस्तानी मक्खी चीना बोलते हैं, ब्रीक मक्खी। ये केवल कलर ही अलग है इसका ना? हाँ सर, मक्खी चीना कलर है ये ब्रीक मक्खी। पाकिस्तान में ऐसी बकरी पाई जाती है ब्रीक ब्रीक कलर वाली। अच्छा, नहीं आपने जो होती है मक्खी चीनी वो मोटे मोटे कलर में होती है। अच्छा, हाँ चीना बोलते हैं उसको। ये पटिया है सारी, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की। एक तो पटिया बता दीजिए। हाँ पटिया अदांत में है सर ये सारियाँ। हाँ टोटल अदांत में है ये। हाँ आ देखो सर बकरी जा रही है, 40 इंच प्लस साइड है इसकी। दांत तो इसने पूरे कर लिए होंगे सर इसके। हाँ उसके दांत इसके सर चार दांत है अभी देख। चार दांत के है ना? हाँ हमने क्रॉस नहीं कराई अभी तक ये। हाँ बहुत अच्छी लेंथ है, हाइट है इसकी। हाइट काफ़ी अच्छी होती है सर। बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। दूध की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छी सर, ये अभी ब्याई नहीं, क्रॉस नहीं करवाई अभी। अभी क्रॉस भी नहीं करवाई मैंने, 6 दांत पे सोचा है इसको जाके क्रॉस कराऊंगा। अच्छा ते पर दूध दे रही है अभी। दूध दे रही है? हाँ दूध दे रही है। ये सर वैसे देने लग जाती है जिनको कोई दाने वगैरह ज़्यादा डालते हैं, गेहूँ वगैरह मक्की वगैरह ज़्यादा डालते हैं, वो देने लग जाती है कई बार। हाँ जी ये देखो सर बकरी खड़ी निकल रहे, 5 लीटर वाली है ये भी, 5+ वाली। मतलब ये दोनों टाइम का 5 लीटर? अच्छा, ढाई ढाई लीटर दे देती है। हाँ जी राम। बहुत अच्छी अच्छी पकड़ी आएगी देखो, ये भी शानदार है, सारियाँ शानदार लकड़ा वगैरह। डब्बे कलर पटिया जी पहले बार भी आई जाएगी ये वाली। हाँ। कौन सा कलर बताया आपने? डब्बा सर, डब्बा। ये कितने दांत की हो गया? 4 दांत होगी शायद। हाँ सर 4 दांत हो गया जी। दोस्तों देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा सा डॉक्टर साहब ने कलेक्शन किया हुआ है। काफ़ी हाइट की बकरियां हैं और जो दूध की कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है इनकी। और डॉक्टर साहब ने एक जो डाउट था वो भी क्लियर किया है कि बकरियों की जो आँख है वाइट के अलावा भी होती है ना? हाँ जी एक होती है मतलब। हाँ सर रेडक में भी होती है बकरी और एक वाइट में भी। सर आप देखो मेरे पास वो कितनी बड़ी बड़ी बकरी है, रेड आई में है उसके साथ खड़ी है, वो भी रेड आई में है। जी 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 ठीक है। आई मीन बाइट पे नाम पे लोगों से पैसा ज़्यादा लेने का माहौल पैदा किया जा रहा और कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ जी हाँ जी, मेरे पास जितनी ज़्यादा बड़ी बकरी है तुसी देखो वो रेडाई में है, चाहे ये है वो 40 इंच है, ये बड़ी बकरी है, सारे रेडाई में है ये देखो। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है सर ये। आप सर देखो भाई सबसे ज़्यादा यही बड़ी बड़ी बकरी फार्म में। हाँ। जिनकी आँख लाल है। हाँ सिर्फ सर लोगों ने धंधा करने का माहौल पैदा किया जा रहा, भाई जी ऐसी आँख वैसी आँख, उसका कोई फर्क नहीं सर। नए आदमी को पता नहीं होता। ये देखो सबसे बड़ी बकरी है। हाँ। इसकी आँख भी लाल है। बिल्कुल इसकी आँख भी लाल है। अच्छा सर एक में और सर रेट वगैरह की आप बता सकते हैं सर, रेट वगैरह क्या रहेगा सर? बीटल का रेट होता है जो वो 20,000 से लेके चंगी क्वालिटी का 20,000 से लेके 50,000 तक रेट होता है। अच्छा। जो नए फार्मर हैं उनको 20 से 25 तक की बकरियां लेनी चाहिए, बड़ा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ऊपर, क्यों उनको समझ नहीं होती। उनको कोई 20 वाली बकरी भी 50 की भी दे सकता है, उन्होंने सब कुछ सोच के चलना है। 20 से 25 के बीच बकरी उन्होंने लेनी है, क्योंकि ये बकरी बहुत जल्दी अपना पैसा कवर कर लेती है। अच्छा, उसके बाद जब जानकारी आदमी को आ जाएगी फिर चाहे 1,00,000 रुपए की ले चाहे 1.5 लाख की ले, फिर कितने की मत ले। सर और अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर सर आप? मेरा सर 7889-46602, 1941713882। अच्छा यही रहता है सर। हाँ कुछ नहीं। हाँ जी सर। सर ब्रीडर नहीं देखा सर अपन?
बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कितने उम्र का है सर ये? ये सर 5 मंथ का हुआ। 5 मंथ। कितनी है सर हाइट? 46 इंच। 46। हाँ 46। कितने दांत का है सर? 6 दांत की है सर। 6 दांत। काफी गजब का है सर ये। आगे से देखो सर कितनी हिट कितना चौड़ा है। ये क्वालिटी होती है सर ब्रीडर की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा कलर कौन सा है सर इसका? ये जो सर शेरा कलर बोल देते हैं इसको, ब्लैक शेरा बोलते हैं इसको। और ये बर्बरी का भी ब्रीडर है? ये बर्बरी है सर। अदंते अभी अभी सर ये वाला बच्चा अदंते। चलो और ब्रीडर ये वाले ब्रीडर। ये कितने दांत का? ये दांत पूरे हैं सर। हाँ ये कौन सा? ये बीटल का? ये भी नहीं सर, ये क्रॉस है। अच्छा क्रॉस हाँ। किसका ये? सोजत का? हाँ सोजत का क्रॉस है। सर क्रॉस से सर मतलब आप क्या मतलब इस मतलब सही चीज़ है या क्या मतलब इसमें? सर सही गलत तो ऊपर वाला जानता है। नहीं नहीं मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं मतलब क्रॉस से? फायदे सर ऐसे है जैसे ना सुरोही जिसमें सुरोही हो गया ना। हाँ। सुरोही से लोग बीटल क्रॉस करा रहे हैं। जी जी। मैं कहना बीटल से बीटल ही रखे, सुरोही से सुरोही रखे। अच्छा क्योंकि प्योरिटी का कितना कितना प्योरिटी है। अच्छा अच्छा। हाँ मिक्स कभी भी ब्रीड कोई मिक्स नहीं करनी चाहिए। हाँ। चाहे कम रख लो पर रखो प्योर में। प्योरिटी पे काम। ये कोई ओरिजिनल चीज़ है तो वो तो ओरिजिनल है। हाँ डुप्लीकेट तो सर जैसे पैदा करोगे डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट। पता है क्रॉस करवाने से पहले गायों पे देख लो सारी नस्लें खराब हो गई। अच्छा पहले कोई प्रॉब्लम आती थी? किसी भी नस्ल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। दूध की क्वालिटी बढ़िया रहती थी, सब कुछ बढ़िया रहता था, बीमारी कम लगती थी। आजकल देखो नई नई बीमारी आ रही है जानवरों को, है ना? ये किसी ना किसी कारण वो इन ब्रीडिंग कारण कुछ हो रही है, कुछ ऐसे हो रही है जैसे एक ब्रीड को दूसरी से मैच करा रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम आती है। ये तो काफ़ी अच्छे आपने सर बात बताई सर। काफ़ी जो नुकसान भी है तो फायदे भी हैं। हाँ सर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। हाँ फायदे तो सर अपने यहाँ बेचने के, भाई हमने ये ऐसे क्रॉस करवा के ऐसे बच्चा पैदा किया, इसको ले लो, इसको ऐसे अच्छा, अच्छा, ले लो अच्छा। ये अपना फायदा है। कुदरत ने जो बनाई है चीज़, कुदरत बड़ी है कि हम बड़े हैं ये सोचना चाहिए, है ना? भाई आदमी को ऐसे भरम नहीं पालना चाहिए भाई मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है सबसे बड़ा था वो आ है। ऐसे एक बकरे को दूसरी बकरी पे छोड़ के एक बच्चा पैदा करके हम कहते हैं यार हमने क्रॉस करवा के ये कर लिया है ना, जो ऊपर वाले को पता हमने सही किया कि गलत किया। पर जे हमने गलती किया, जे हमने सही करना होता परमात्मा उसको मिला के पहले धरती पे भेज देता। ठीक है कभी भी परमात्मा वाली अल्लाह ताला वाली जगह नहीं लेनी चाहिए आदमी को। उनका काम उन पे छोड़ना चाहिए, अपने काम मतलब रखना चाहिए। ठीक है सियाने कहते हैं सेवा करो फल की आस मत रखो, फल ऊपर वाला देगा। आजकल लोग फल की सेवा पहला देखते हैं भी फल क्या लगेगा, सेवा सुबह वाला तो काम दौड़ गए। सही होता है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा प्रयास है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को टाइम दिया सर। धन्यवाद बाप का और पाप के जितने भी सब्सक्राइबर आप जैसे मेहनती आदमी को सलाम करता हूँ। मेहरबानी सर।